गाइस वेलकम बैक टू आदिराज फैमिली चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ क्यू एन ए वीडियो। तो मैंने 7-8 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट की थी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आप अगर मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, जिसका आंसर मैं विथ नेम के साथ दूंगी। तो मेरे पास आया एक ही फ़ोन, तो मैंने जो भी क्वेश्चन थे वो मेरे डाउन कर लिए, मेरे डायरी में लिख लिए है। सो मैं उनको रीड करके आपके उनके आंसर दूंगी। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, टाइम को वेस्ट ना करते हुए करते स्टार्ट। तो चलिए मैं बताती हूँ। सो मैंने ये आदि की एक बुक थी, उसी में अपने कुछ क्वेश्चन ले लिए। तो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लूँगी। तो मेरे को ज़्यादा किसी ने कुछ पूछा नहीं है, तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। चल लेती हूँ अक्षर, जो कि पाकिस्तान से, फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि एक यूट्यूबर है। तो उन्होंने मुझसे बोला है, जब आप डीमोटिवेट होती है तो क्या करती हैं? तो जब मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, डीमोटिवेट तो मैं हर रोज़ ही होती हूँ, क्या बताऊँ। क्योंकि जब आपका चैनल, आप इतनी मेहनत करते हो, व्यूज़ नहीं आते, तो ऑब्वियसली आप डीमोटिवेट होते ही। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो डीमोटिवेट होता है, चाहे वो YouTube हो चाहे कोई भी काम में वो डीमोटिवेट होते हैं। चाहे तो मैं करती क्या, कुछ नहीं करती, माइंड को सेट कर लेती हूँ। कभी कभी तो मन करता है छोड़ दूँ YouTube, फिर सोचती हूँ इतना आए हैं तो चलो जाने, तो कुछ मिले ना मिले, अगर दिन में 12-24 घंटे में से 2 घंटे इसको दे रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, और छोड़ देती हूँ। और फिर मेरे YouTube पे आने के बाद मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त बने जो कि मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, तो उसकी वजह से मैं खुद को संभाल लेती हूँ। सो ये था भाई, तो आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। देन उसके बाद हम सेकंड पे जाते हैं। तो मुझे पूछा गया है रिया नामान ब्लॉग्स, वो पूछती है दी आपकी फैमिली और मायके में कौन कौन है। सो मेरी फैमिली में, मायके में मेरे मॉम डैड और हम 3 सिस्टर्स हैं। और ससुराल में, मेरी फैमिली में बोले तो यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ और मेरी बेटी है। और ससुराल में हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी, मेरे इन लॉज और ब्रदर इन लॉ, इतने लोग हैं। सो ये है मेरी फैमिली में। देन उसके बाद मुझे सवाल पूछा है दीपिका वृंदा ने, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। सो उन्होंने मुझे पूछा है कि आप न्यू चैनल बनाना चाहोगे या इसी चैनल को मेकअप चैनल बनाओगे। सो ये क्वेश्चन मुझे बहुत बेस्ट लगा, बिकॉज ना मेरे माइंड में ऐसा चल ही रहा है। देखिए मैंने ये जब चैनल खोला था तब मुझे कुछ नहीं आता था, सीरियसली गाइस मुझे थंबनेल क्या होता है ये तक नहीं पता था। मैंने ऐसे रिसेंटली खोल दिया सबको देख देख के। जब आपको नॉलेज नहीं होती है तो आप कुछ ऐसे ही करते हो, फिर धीरे धीरे नॉलेज बढ़ने लगे। बट अब मुझे इतनी अच्छी नॉलेज हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक दूसरा चैनल खोलूँ मेकअप के लिए। पर मेरे पास आपको जैसे कि पता है एक ही सेलफोन है, जिससे मैं इतना मैनेज नहीं कर पाऊँगी। तो मैं कुछ टाइम के लिए वक्त दे रही हूँ, और इसी चैनल पे मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी, बिकॉज ब्लॉगिंग में बीच में करती रहूँगी, इंटरेस्ट बढ़ने लगा। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं हाँ, जब फ्यूचर में मैं सेकेंड चैनल खोलने का सोचूंगी, बट अभी मैं इसी चैनल पर मेकअप का डाल लूँगी। सो ये था। देन उसके बाद हम और क्वेश्चन पे, जो कि साफकत जहान ने पूछा है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपसे मिलने आऊँ तो आप मुझे मिलेंगी? ऑफकोर्स मिलूँगी, आप आओगे तो ज़रूर मिलूँगी। अगर कोई आपसे मिलना चाह रहा है तो क्यों आप मना करोगे, बिल्कुल मिलोगे। और मैं ज़रूर मिलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी। तो अब आते हैं, मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पर आती हूँ, 5th नंबर पर, जो कि बहुत बड़ा कमेंट्स था, तो मैं उसको धीरे धीरे रीड करके आपको बताती हूँ। तो ये कमेंट है, 5th कमेंट मुझे क्वेश्चन आए हैं, अपुन का क्लिप। तो ये भाई, आपने जो चैनल बनाया है, ये आपके घर वाले खुश है या नहीं, और फैमिली भी सपोर्ट करती है आपको? तो इसका पहले मैं आंसर देती हूँ, तो गाय को इसका आंसर देना चाहूँगी। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और एक मैं आपको बात बता दूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे ससुराल, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में। मैं यहाँ सोशल मीडिया पे बता रही हूँ, सो मुझे हर चीज़ में बड़ा। और एक आपको राज की बात बताऊँ, मेरी जो पहली सब्सक्राइबर थी वो कोई और नहीं, मेरी मदर इन लॉ ही थी। सो ऑब्वियसली उनको पता था कि मैं चैनल खोली हूँ, और मेरे इन लॉज मेरे वीडियोज़ इंस्टा पे वीडियोज़ सब देखते हैं, लाइक करते हैं। सो मुझे इस चीज़ का कोई भी ये नहीं है कि आपको नहीं करना है, तो इस चीज़ के लिए मैं एकदम फ्री हूँ। देन वो आगे लिखते हैं, आपको वैसे आपका भाई आपके साथ है, तो थैंक यू सो मच। सच में मेरे को ऐसा भाई मिला है यूट्यूब पे, मेरा रियल तो भाई है नहीं, तो मुझे ना
दो भाई ऐसे मिले, दो या तीन बोल सकते हो, पर दो तो मतलब इतना इतना अच्छे भाई मिले हैं, तो मिले कि मैं सच में, मेरे को ऐसा कभी फील ही नहीं होता कि मेरे को भाई नहीं है। तो थैंक यू सो मच भाई। उसके बाद वो आगे लिखते हैं, आप अगर आप दिल्ली आओ तो मुझसे बताना, तो जरूर मैं दिल्ली आऊँगी तो आपको जरूर बताऊँगी और हम मिलेंगे जब कभी फ्यूचर में। वैसे मैं पहले दिल्ली में ही थी, पर तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। जब अब कभी कोई कुछ हुआ तो जरूर आएंगे घूमने वगैरह, वैसे तो जरूर मिलूंगी। उसके बाद लिखते हैं आई मिस यू दी, तो आई मिस यू टू भाई। और आगे लिखते हैं, आप ना एक वीडियो ऐसी भी बनाओ जिसमें आप अपनी वाईटी जर्नी के बारे में भी बताओ, और जब आपने शुरू से चैनल किया था तो आपने किससे कैसे खुद को मोटिवेट किया, और फैमिली को सपोर्ट और फ्रेंड का सपोर्ट कितना मिला। तो मैं जरूर अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करूंगी आगे की एक वीडियोस में। तो मैं कुछ कुछ वक्त के लिए रुकी हूँ ताकि मैं अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन कर लूँ, बस यही मेरा मोटिव है। उसके बाद मैं यूट्यूब जर्नी भी शेयर करूँगी तो जरूर मैं बताऊँगी, और फैमिली का सपोर्ट तो वैसे ही रहा है, तभी तो आज यहाँ तक आई हूँ, बस इतना ही बोलूंगी। और तो जैसे मोटिवेट किया तो खुद को मोटिवेट, जब मैं नहीं, कभी कभी डीमोटिवेट हो जाती हूँ पर फिर से मैं अच्छी से हो जाती हूँ। तो मुझे मुझे फैमिली का सपोर्ट मिलता है, फ्रेंड्स की सर्कल का सपोर्ट मिलता है, तो मैं अच्छे से फिर से उसको करने लग जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इतना प्यारा सा कमेंट किया मुझे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाई। उसके आपकत लिखते हैं, उसके बाद 6 कमेंट है साबकत, बहुत सी बातें हैं पूछनी, पर अभी सिर्फ इतना बताओ तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है। राज क्या है, और कहीं खूबसूरती का राज राज तो नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी खूबसूरती का कोई राज नहीं है। और वैसे आपने जो जो लिखा है ना कि आपकी खूबसूरती का राज कहीं राज तो नहीं, तो हाँ ये भी हो सकता है, मेरी खूबसूरती का राज राज ही हो सकता है, जो कि जो लोग नहीं जानते तो मैं यहाँ पे बता दूँ, मेरे हस्बैंड का नाम राज है, सो इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। और वैसे बात रही खूबसूरती की, तो खूबसूरती की तो खूबसूरती तो देखने वालों की नज़रों में होनी चाहिए। अब किसी को हम खूबसूरत लगते हैं, किसी को हम बदसूरत लगते हैं, तो वो तो सामने वाले की आंखों में, हमारी पर्सनैलिटी में, इसमें डिपेंड करती है। और वैसे हर इंसान खूबसूरत है, बस इतना ही बोलूँगी। तो आप भी बहुत खूबसूरत है, आपने इतना अच्छा कमेंट किया, लव यू, तो यही मेरी खूबसूरती का राज है। देन उसके बाद मुझे अपुन का क्लिप भी वापस पूछते हैं, मैं अपुन का क्लिप मुझे सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, मेरा नाम तो आपको पता है, पता होगा ना, ताई चीनू मीनू सा, अरे ताई चीनू, तो हाँ चीनू मुझे आपका नाम पता है, आप मेरे लाइव में पहले आते थे, तो आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप हमेशा मुझे याद रहोगे, और मुझे पता है कि आपको ताई बोलने वाला वो एक ही इंसान है यूट्यूब पे, तो थैंक यू सो मच, तो मुझे आपका नाम पता है। तो और ये वीडियोस के लिए इन्हीं की ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो मैंने बना दिया। चलते हैं हम लास्ट के क्वेश्चंस पे। सो लास्ट है प्रिया की लाइफ में, जो पूछा है, डियर आपकी हॉबी आपको सपोर्ट करते हैं? तो हाँ मेरे हॉबी मेरे को सपोर्ट करते हैं, वो किसी चीज़ में मुझे मना नहीं करते, कुछ भी काम में मना नहीं करते, सिर्फ गलत काम नहीं करना चाहिए, बस इतना ही है उनका बोलना। तो गलत तो हम कुछ करते नहीं हैं, तो वो मुझे किसी चीज़ में मना नहीं करते हैं। उसके बाद वो लिखती है, आप हाउसवाइफ हैं या जॉब भी करती हैं? तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लिखती है, वैसे घर और वाईटी कैसे मैनेज करती हैं? तो घर और वाईटी मैनेज करना आसान हो जाता है, बिकॉज हम अभी बहुत ही छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और मेरी बेटी, सो हो जाता है मैनेज, ज़्यादा कुछ है नहीं। और अभी मेरी बेटी स्कूल नहीं जा रही, अभी इस साल से जाएगी, तब थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैनेज करना, तो देखते हैं उस टाइम, अभी तो मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। उसके बाद वो लिखती है, आदिरा बहुत क्यूट है, तो थैंक यू सो मच आदिरा, सच में बहुत क्यूट है। और आदिरा की वजह, आदिरा को पूरा वाइटी जानता है क्योंकि आदिरा के नाम से ही चैनल है, तो मुझसे ज़्यादा तो उससे जानते हैं लोग। उसके बाद लिखती है, मुझे तो बहुत मुश्किल होता है घर और वाइटी मैनेज करना, कोई टिप्स दीजिए और कैसे मैनेज करो? तो यूट्यूब और घर मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, सच्ची गाइस। आप लोगों को एक वीडियो दिखती है, वो एक वीडियो नहीं, उसके पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी आप सोचो, मैंने ये वीडियोस बनाने के लिए सुबह से मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। वाईटी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर मुझे लगता है कि अगर घर में हम, जैसे कि बहुत लोग हैं जो कि दोपहर में सो जाते हैं, ये काम करते हैं, अपना हाउस वाइफ होती है जो सो जाती है, ये करती है, बट हम वही 4-5 घंटे जो मिलते हैं हमें, 2-3 घंटे उसी में वर्क करते हैं, तो इस तरह मैनेज हो जाता है।
और वैसे टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आपने स्टार्ट किया है यूट्यूब तो काश करके आपको उसमें टाइम निकल, बहुत से अभी तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो बस है, और अभी मैं इतने ही सारे कमेंट्स दे, तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और मैंने उसका अच्छे से रिप्लाई भी दे दिया। आई होप सो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, पर मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगी। मैं फील करती हूँ, आप समझ सकते हो, आप IT पे जब काम करते हो तो आप अपना वीडियोस बनाते हो, तब तक आपकी कोई अर्निंग नहीं आ रहा। आज मुझे 1.5 साल हो रहा है या 1 साल उससे ऊपर हो रहा है, 1.5 साल पकड़ो, मुझे कोई पैसे नहीं मिले। बट कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में ऐसे जो कि रिलेटिव हो कोई भी हो, वो पूछते हैं क्या है क्या है, नहीं कुछ नहीं मिलता। तो गाइज, मेहनत करने से सब मिलेगा, मिले ना मिले इसमें हमारा क्या गया, सिर्फ टाइम नहीं गया, ना मिला तो ना मिला, पर कर तो रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं। और रही बात वीडियोस की, तो कितने सारे मेमोरीज हैं हमारे, कितने अभी मैंने ब्लॉग्स भी डाले आदिरा के, तो जब आदिरा बड़ी हो जाएगी तो वो देखेगी, तो यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, यही बहुत अच्छा बात है। और वैसे रहा सवाल ये सोशल मीडिया है, गाइज एक चीज़ बताऊँगी, आपका काम है वर्क करना, आपको वीडियो पोस्ट करना, उस पोस्ट होने के बाद जो भी प्यार नफरत जो भी आपको उस वीडियोस पे मिलती है वो पब्लिक देती है, तो वो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए, आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना ही बोलूँगी, क्योंकि आपका काम है सिर्फ वीडियोस बनाना और डाल देना, उसके बाद पब्लिक देखे ना देखे हमारे हाथ में नहीं होता। देन सेकेंड चीज़ है, यूट्यूब आपको कितना उस वीडियो को बूस्ट करता है, कब वायरल करवाता है, ये उनके हाथ में है। और मैंने बहुत से लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनकी वीडियोस में कुछ नहीं होता, कुछ भी मतलब क्या बोलूँ, वैसे तो मेहनत तो सभी करते हैं, पर जो चीज़ अच्छी मतलब बहुत लोगों के वायरल हुए, तो यही उम्मीद से एक है बस। सो बाकी, और बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपके पीठ पीछे बुराइयाँ भी करते हैं, ये क्या करती है, ये ऐसा करती है, वैसा, उस सब चीज़ों को इधर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि कोई भी लोग आपको घर पे आके कुछ खाने को नहीं देते हैं। सो आपके मन में जो हो वो करिए। मैं आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी ना किसी चीज़ में, चाहे उससे कुछ मिले या ना मिले, आपका दिन उसमें जाता है, आप बिजी रहते हो, बिजी लाइफ है। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा जो दूसरों की बुराई करने में पूरा दिन निकाल देते हैं, तो उससे अच्छा ना आप अपना टाइम अच्छे से, अच्छा माइंड को सेट करके अपने वर्क पे टाइम दो, और आगे भगवान और गॉड के भरोसे जो होगा सो अच्छा होगा, सिर्फ आप अपना प्यार बनाए रखना। सो यही था, और टिप्स यही दूंगी कि वर्क करते रहिए, डीमोटिवेट ना हो, डीमोटिवेट हो तो मेरे सबसे बड़े आइडियल है संदीप माहेश्वरी, उनके वीडियोस देख लिया करो। आपका सारा डिप्रेशन, जो भी आप डिमोटिवेट हुए हो, डिप्रेशन सारा सब कुछ निकल जाता है। सो बस इतना ही बोलूँगी, और बस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप मेरी यूट्यूब जर्नी जानना चाहते हो तो मैं जरूर कमेंट करना, तो मैं जरूर शेयर करूँगी। सो चलिए, मैं करती हूँ इस वीडियो को बाय बाय।